नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश और प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। तो खबर अंबेडकर नगर से है, जहां मतदाता जागरूकता वैन को डीएम व एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब बता दें, मतदाता जागरूकता वैन गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी। वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा मतदान के लिए स्कूली बच्चों और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई गई। मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है अविनाश सिंह, डीएम अंबेडकर नगर ने, आप सुनिए। आप सभी लोगों को मालूम है आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जनपद के समस्त मतदाताओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था, अर्थात गणतंत्र दिवस के ठीक एक दिन पहले 25 जनवरी को। और इसी उपलक्ष्य में तब से लेकर आज ये हम 14वां जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जनपद में, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में जितने भी मतदाता हैं, और खास तौर से जो युवा मतदाता हैं और ऐसे मतदाता जो पहली बार मतदान करेंगे, उनको मतदान करने के लिए प्रेरित करना, उनको उत्साहित करना कि वो बढ़ चढ़कर मतदान की प्रक्रिया में भाग लें और एक स्वस्थ और सक्षम लोकतंत्र में, एक आम जनता के द्वारा चुनी गई सरकार के गठन में अपना पूरा योगदान दे। इसी के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर जो हमारे डिप्टी डीओ साहब, एसडीएम सदर साहब और पूरी जो निर्वाचन की टीम है, उसके द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें समस्त इस क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई गई है। और सबसे ये एक अपील की गई है कि जो एक लोकतंत्र का एक महान मतदान, जो एक महान यज्ञ है, जिसमें सभी भी मतदाताओं को अपनी अपनी आहुति अवश्य डालनी चाहिए और इसके साथ साथ प्रयास करना चाहिए कि वो खुद तो मतदान करें, लेकिन उनके घर में जो अन्य लोग हैं या उनके अड़ोस पड़ोस में उनके और भी जो जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों को भी मतदान के दिवस पर मतदान केंद्र तक जाकर अपना अपना वोट डालने के लिए प्रेरित करें। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सी रंगोली बनवाई, जो एक पेंटिंग बनवाई है, साथ साथ बड़ी संख्या में यहाँ पे थर्ड जेंडर के हमारे मतदाता आए हैं, जो हमारे दिव्यांग मतदाता आए हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अपनी प्रस्तुति दी है। और निश्चित रूप से हम सब मिलकर अगर एक टीम के रूप में काम करते हुए जो भी हमारी 18वें लोकसभा के निर्वाचन की डेट आएगी, उसमें अगर सभी लोग जाकर अपने मतों का इस्तेमाल करेंगे, तो निश्चित रूप से आज का तभी ये संकल्प है सार्थक हो पाएगा।